अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद है और मैं स्टारलाइन मार्केटिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए एज अ लीड सिविल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक वर्क, जिसे हम आम जबान में चुनाई भी कहते हैं। नॉर्मली जब भी आप किसी भी घर की डीपीसी करते हैं तो डीपीसी के ऊपर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है मेम्ब्रेन शीट का। मेम्ब्रेन शीट हम क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए ताकि हमारी जो सेम है, जो नमी है, वो ऊपर दीवारों को ना जाए। तो सबसे पहला जो आपका रदा होता है, जो कि डीपीसी के ऊपर लगता है, उसके लिए जो भी आप मिक्स रेशोज यूज़ करते हैं, जो भी गिवन रेशोज होती हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने अपना पहला रदा लगाना होता है या पहली लाइन ऑफ ब्रेक यूज़ करनी होती है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि आपका जो मसाला बना हुआ है, जो रेडी मिक्स बना हुआ है, वो आपका मुकम्मल तर होना चाहिए। ब्रिक के साइज़ की बात की जाए तो ब्रिक का साइज़ 9x4x3 इंच होता है। 9x4x3 का क्या मतलब है कि 9 इंच आपका स्ट्रेचर है, 4 इंच आपका हेडर है, जबकि 3 इंच जो कि थिकनेस कहलाई जाती है, जो कि फ्रंट फेस होता है, टॉप फेस होता है, उसको कहा जाता है फ्रॉग। जब भी आप ब्रिक वर्क करते हैं या चुनाई का काम करते हैं तो चुनाई के काम के दौरान आपने अपनी मिक्स रेशोज यानी कि सीमेंट और सैंड का ख़ास ख्याल रखना है। नॉर्मली 1:4, 1:3 या 1:5 की मिक्स रेशोज भी इस्तेमाल की जाती हैं। दो किस्म के ब्रिकवर्क्स होते हैं या दो किस्म की दीवारें नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। एक होती है 4 इंच की दीवार, जिसको हम सिंगल इंट कहते हैं, और दूसरी होती है 9 इंच की दीवार, जिसको हम डबल इंट कहते हैं, यानी कि दो यकमुश्त लगती हैं। जब भी ब्रिकवर्क की मेसनरी वर्क किया जाता है तो एक तो मिक्स रेशोज का ख़ास ख्याल रखा जाता है और दूसरा क्योरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योरिंग का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जितनी आप क्योरिंग करेंगे उतनी आपकी दीवार की मजबूती बढ़ती जाएगी। और एक और बात, जब भी आपकी ब्रिक मिस्त्री या चुनाई का काम होता है, उसमें आपने मिस्त्री को ये कह के लाजमी इम्पोज करवाना है कि आपने सॉल का ख़ास ख्याल रखना है। सॉल का ख़ास ख्याल क्यों रखना है? वो इसलिए ताकि वर्टिकली आपकी दीवार जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।